नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की तीन ऐसी वैरायटी के बारे में जिन्होंने पिछली साल बहुत तगड़ी पैदावार किसानों को निकाल कर दी। गेहूं की हजारों वैरायटी होने के बावजूद इन तीनों वैरायटियों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बहुत अच्छी पैदावार किसानों को निकाल कर दी। प्रतिकूल परिस्थितियों से मेरा मतलब जैसे पकते समय तेज हवाएं चलती हैं, लू चलती है या फिर बारिश भी हो जाती है, तो कई सारी कंडीशन में इन तीन वैरायटियों ने बहुत अच्छी पैदावार किसानों को निकाल कर दी। देखो किसान भाई, गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए सही समय पर अच्छे फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही सही बीज का भी चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर गलत बीज का चुनाव कर लिया तो किसान ही आर्थिक रूप से पिछड़ता नहीं, उसका परिवार भी आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है। तो किसानों को चाहिए कि अगर गेहूं की बीज की बुआई कर रहे हैं तो आपको सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हो, आपके क्षेत्र के लिए सुटेबल है भी या नहीं, पौधों की ऊंचाई कितनी है, आपके क्षेत्र की बीमारियों के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट है भी या नहीं, वैरायटी कहीं गिरती तो नहीं है, और हम जो वैरायटी लगाने जा रहे हैं वो अर्ली वैरायटी है या लेट वैरायटी है, इस चीज़ का हमें पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। कई सारे किसान यहाँ पर ही मात खा जाते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं लेकिन यहीं पर मात खा जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो किसान भाइयों, अच्छी पैदावार लेने के लिए गेहूँ की हमें समय पर सही फर्टिलाइजर डालने होते हैं। अब फर्टिलाइजर के बारे में बात करने से पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें बेसल डोज में क्या क्या डालना है इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखो किसान भाई, बेसल डोज में हमें DAP 50 किलो लेनी है और इसके साथ हमें 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है, और इसके साथ ही हमें 5 किलो जिंक प्रति एकड़ डालनी है, और इस जिंक को हम बेसल डोज में ही डाल सकते हैं। अगर आप बेसल डोज में नहीं डालना चाहते हो तो आप गेहूं में फुटाप के समय डाल सकते हो, और इसके साथ आप बेंटोनाइट सल्फर डालो, इससे आप 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। साथ ही 500 ग्राम बोरोन ले सकते हो, आप बेसल डोज में इसे डाल सकते हो। अगर आप बेसल डोज में इसे नहीं डालना चाहते हो तो 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। देखो किसान भाइयों, अगर आप जिंक अपनी गेहूं की फसल में डालते हो तो क्लोरोफिल का अच्छे से निर्माण होता है। आपकी गेहूं की फसल में अगर सही समय पर जिंक डालते हो तो फुटाप भी ज़्यादा होता है। बेंटोनाइट सल्फर अगर आप डालते हो तो बेंटोनाइट सल्फर से आपकी फसल रोगों से बचती है। जमीन में कई सारे तत्व बेकार पड़े हैं, उन्हें भी सल्फर कहीं ना कहीं काम पर लगाता है। एक हिसाब से पौधे को स्वस्थ रखने का काम सल्फर का ही होता है। और इसके साथ अगर आप बोरॉन बेसल डोज में डालते हो तो आपकी आगे की फसल में परागण की क्रिया बहुत तेज होती है, जिससे मोटे दाने बनते हैं और दानों का वजन भी अच्छे से बनता है। अब किसान भाई, इन सारी चीज़ों के साथ आपको पोटास और डालनी है। कई सारे किसान सारा कुछ डालते हैं लेकिन पोटास नहीं डालते हैं, पोटास को किसान भूल जाते हैं। तो आप प्रति एकड़ गेहूं की फसल में 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो, इसे भी आपको बेसल डोज में ही डाल देना है। पोटास का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है आपके दानों का साइज बढ़ाना, दानों का वजन बढ़ाना, पौधों को रोगों से दूर रखना, फसल को गिरने से बचाना, ये सारे काम कुछ जो है पोटास के ही होते हैं। तो किसान भाई, ये तो हो गई बेसल खादें जो हम किसी भी मिट्टी में को किसी भी जलवायु में और किसी भी बीज के साथ ये बेसल डोज डाल सकते हैं। अब दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सी वैरायटी को हमें लेना है। तो नंबर वन की अगर वैरायटी की बात करें तो नंबर वन की वैरायटी है DBW 303। ये एक अर्ली वैरायटी है और पिछले साल सबसे ज़्यादा किसानों को पैदावार इसी वैरायटी ने निकाल कर दी। कई सारी वैरायटियाँ मार्केट में फेल हो गई और किसानों को ये वैरायटी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, और किसान आज के समय में इस वैरायटी के फैन होने लग रहे हैं। ये वैरायटी 145 से 156 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 95 से 101 सेंटीमीटर पौधे की लगभग हाइट है, और ये वैरायटी ब्लैक रस्ट और येलो रस्ट के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट वैरायटी है, और इसके साथ ही ये वैरायटी हीट ब्लास्ट के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट वैरायटी है। पर एकड़ अगर पैदावार की बात करें तो 35 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार किसानों को दी है। इस वैरायटी में आपको 5 से 6 सिंचाइयों की जरूरत होती है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर 25 अक्टूबर से आप 20 नवंबर तक इस वैरायटी की बुआई कर सकते हो। ये किस्म बहुत अर्ली वैरायटी है, तो आप इसकी जितनी जल्दी बुआई करोगे आप उतनी ही ज़्यादा पैदावार ले पाओगे। इस वैरायटी में 1000 दानों का वजन लगभग 42 ग्राम होता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और इस वैरायटी की सबसे अच्छी चीज़ है कि 18 से 20 कल्ले एक पौधे में होते हैं, जो कि इसकी पैदावार को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आप इस वैरायटी की अगेती बुआई कर रहे हो तो 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लें, और इस वैरायटी की सबसे खासियत है कि इसमें हाई प्रोटीन है। अब नंबर दो की वैरायटी की अगर बात करें तो नंबर दो की वैरायटी है HD 3086। ये वैरायटी भी एक अगेती किस्म है, और ये वैरायटी 140 से 145 दिन में लगभग पककर तैयार हो जाती है। 90 से 95 सेंटीमीटर पौधे की हाइट है, जिससे फसल गिरती नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, ठीक ठाक हाइट है, और ये वैरायटी येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट वैरायटी है। इस वैरायटी की पैदावार 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ तक की है। इस वैरायटी में एक पौधे से 15 से 18 कल्ले के लगभग आते हैं, जिससे इसकी बहुत अच्छी पैदावार हमें देखने को मिलती है। ये वैरायटी भी 5 से 6 सिंचाई में पककर तैयार हो जाती है, और इस वैरायटी को अगर आप 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक
लगाते हो तो बहुत अच्छी पैदावार आप निकाल पाओगे। अगर आप अगेती बुआई कर रहे हो तो 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज पर्याप्त रहता है और इस वैरायटी में 1000 दानों का वजन लगभग 39 ग्राम आता है। अब नंबर 3 की अगर वैरायटी की बात करें तो नंबर 3 की वैरायटी है श्रीराम कंपनी की 303, 125 से 135 दिन की वैरायटी है, 85 से 90 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई है और कम हाइट होने की वजह से ये वैरायटी गिरती नहीं है। किसानों को गिरने की बहुत समस्या आती है जिससे उनकी पैदावार कम रह जाती है। ये वैरायटी येलो रस्ट, व्हाइट रस्ट और ब्लैक रस्ट के अगेंस्ट मीडियम रेजिस्टेंट है। 26 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार है और ये पैदावार एवरेज पैदावार है, इससे ज्यादा भी पैदावार दे सकती है। ये वैरायटी मात्र 5 सिंचाई में पककर तैयार हो जाती है। 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप इस वैरायटी की बिजाई कर सकते हो। इस वैरायटी में 15 से 20 कल्ले एक पौधे में होते हैं। अगर आप इस वैरायटी की अगेती बुआई कर रहे हो तो 40 किलो बीज पर्याप्त रहता है 1 एकड़ खेत के लिए। अगर आप बिजाई में थोड़ा लेट होते हो तो 50 किलो प्रति एकड़ तक जा सकते हो। श्रीराम 303 वैरायटी में अब एक निगेटिव पॉइंट है कि ये वैरायटी में रोग काफी ज्यादा आने लग रहे हैं और मन मुताबिक पहले की जैसी पैदावार अब इस वैरायटी में नहीं मिलने वाली है, लेकिन किसानों के आज भी पॉपुलर है, इस वजह से ये वैरायटी मैंने वीडियो में बताई। तो दोस्तों, ये तीनों वैरायटी को आप जहां भी गेहूं की खेती होती है वहां आप बेझिझक लगा सकते हो और गेहूं वाले क्षेत्रों में ये तीनों वैरायटी बहुत अच्छी पैदावार आपको निकाल कर देंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि ये तीन वैरायटी जो किसानों को आज के समय में बहुत ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी हैं, आप भी इन्हीं वैरायटी को लगाकर बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हो। आपको बिल्कुल भी भेड़ चाल में नहीं पड़ना है और दूसरे किसान से भी नहीं पूछना। आपके क्षेत्र के लिए जो सुटेबल वैरायटी है आप केवल उन्हीं वैरायटी को लगाएं जो आपके क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप किसी यूट्यूबर की मत सुनिए, आपके क्षेत्र के लिए जो सुटेबल हैं केवल आप उन्हीं पर ध्यान दीजिए और उन्हीं वैरायटी को लगाइए, क्योंकि आज के समय में खेती में बहुत ज़्यादा लागत आती है और किसानों की एक गलती पूरे परिवार के लिए दुखद होती है और हमारी खेती में जो पैदावार कम रह गई वो समय कभी लौट कर नहीं आता है, इसीलिए आप अच्छे बीजों का चुनाव जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। जय किसान।